भोजपुरी के वह बेटा के हम माइक देवे जा रहल बनी जे अपना माई अपना मातृभाषा अपन बोली भोजपुरी के विकास में अपन पूरा जीवन लगा दिहल आ सगरे भोजपुरियन के सम्मान के पूरा भोजपुरिया जहान में रक्षा करे वाला श्री मनोज तिवारी जी यशस्वी और लोकप्रिय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश आप सबके बीच में उपस्थित बानी। हम सीधे सीधे माइक भैया के हाथ में दे 11वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन के आ अपना भोजपुरिया जहान के संबोधित करे खातिर मनोज भैया हई सगरे भोजपुरिया जहान के संबोधित करे खातिर 11वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन के संबोधित करे खातिर आई सगरे लोग जे आपके प्यार करेला ये लोग के प्यार करे खातिर हम माइक रोवा के देवे जा रहल बनी। जोरदार ताली बजाई जोरदार ताली बजा के स्वागत करी श्री मनोज तिवारी मृदुल जी आप सबके बीच स्वागत अभिनंदन प्रणाम। जहां जहां हमारा आवाज जा रहल बा हम सबका के मनोज तिवारी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी गोर लगतनी। अगर आप लोग के हालांकि आप लोग के डोज बहुत लंबा मिल गिल बा शिवजी भाई खातिर एक बार अगर ताली बजा सकेला तो बड़ा अच्छा रही। जोरदार ताली बजे के चाहिए। थोड़ा देर रुक जाओ भैया इन लोगों को थोड़ा सा हेलो थोड़ा सा रुक जाओ। मंच पे अगर दाहिने तरफ यहां से नजर जाता तो बहुत नेता लोग बैठल बा, बाई तरफ नजर जाता तो बहुत कलाकार लोग बैठल बा, बीच में मनोजवा फसल बा। अबे मंच के दू गो प्रयोग हो रहल बा, एगो राजनीतिक एगो सांस्कृतिक। हमरा बुझात नहीं के कि हम केने जाएं, लेकिन हम शिवजी भाई खातिर बड़ा हमरा मन में बड़ा उनका प्रति ऊंचा भाव रहेला। एगो ऐसन कार्यक्रम बाटे जो हर साल होला और बिल्कुल समय से होला, एकरा में बहुत खास खास लोग राजनीतिक रूप से भी इनवाइट होला, लेकिन एकरा में सांस्कृतिक लोग भी आवेला। आज ये साल के जो कार्यक्रम हो रहल बा ये जब हो रहल बा तो देश बड़ा गुस्सा में बाटे, देश बड़ा गम में बाटे। कहें कि 14 फरवरी के जो दिन होला एगो प्यार मोहब्बत के, वही दिन हमनी के देश के सीआरपीएफ के जवानन पे धोखा से हमला भइल और ओकर गम भुलात नहीं खे। ऐसे हम आज के दिन ओकरा के भी याद कइल चाहतनी और हम अपने तरफ से सिर्फ इतना कहल चाहतनी, सबकर स्वागत करते हुए शिवजी भाई के, मुकेश भाई के, मनीष सिंह जी के, झा जी के, हमरे अखिलेश त्रिपाठी जी के, सरिता बुद्धू दीदी के, यहाँ पर भोजपुरी के बड़ा बड़ा विद्वान लोगन के, सब साहित्यकार लोग के, संत चरण के, राजकुमार पांडे जी फिल्म के बहुत बड़ा निर्माता उनका के, और आप गाना सुन ले हो खब कि नथुनिये पे गोली मारे सैया हमार हो। हम अचानक वहाँ देख लें कि मुन्ना भैया बैठल बाड़े, मुन्ना सिंह जी जे गाना गौली वो गाना पर और भी हिंदी सिनेमा में गाना बनल अहे के गाना गौले रहनी कि चंडे चामुंडे काली हे मैया खप्पर वाली, जहाँ भी सुनला पर लगे ला कि दुर्गा माई अवतरित होके लागल। तारकेश्वर मिश्र राही जी आइल बानी जिनकर लिखल गाना आप लोग सुनले हो खबजा,
कि फेंकी दिहले थारिया बलम गईले झरिया पहुँचले किना उठे ही अमे लहरिया। नहीं बजाओ मत बेटा, कुछ नहीं चाहिए। पहुँचले किना। तारकेश्वर मिश्र राही जी के इतना गाना जोना के याद कर जाए तो रात बीत जाए। हमार पहला फिल्म रहे ससुरा बड़ा पैसा वाला और पर्दा पर जकरा के देख के पहला बेरी हमरे पर गाना शूट भई रहे कि जान से बढ़ के तोहरा के हम जानी ले आपन जिंदगी हम तोहरा के मानी ले तो हर एक झलक पावेला इंतजार करी ले। वो लड़किया आयल बिया रानी चटर्जी इनका खातिर भी जोरदार ताली बजा दी। हमरे बाई तरफ पाखी हेगड़े जी बाड़ी एगो कर्नाटक के बेटी भोजपुरी सिनेमा के गौरव बनल बिया। इनका संगे हम फिल्म कैली देवरा भइल दीवाना। और थोड़ा देर पहले कल्पना जी गावत रही है। कल्पना जी के जब जब हम सुनी ला तो ऐसा लागेला कि साक्षात माई सारा कृपा शारदे मैया उन्हीं पर कर दिले बिया। ऐसा सुरीली गायिका गौरव बाड़ी आसाम के रहे वाली बाड़ी लेकिन बिहार के यूपी के गांव गांव घर घर में जानल जाता रही। और मंच पे इतना कलाकार लोग सुदीप पांडे और अब आप कोई के नाम नहीं ले नहीं तो माया जी के नाम ले माया यादव जी अब इनकर बेटी भी हीरोइन हो गई बिया काजल और बाकी सब जितना अभिनेत्री लोग आयल बटे सबकर दिल्ली में शिवजी भाई के तरफ से हमरो तरफ से स्वागत बा। और जिनका के भिखारी ठाकुर जी के संगे हम छपरा में वहाँ के घरे भी गईली ऐसन नगीना राम जी के स्वागत रुआ कैली खोज के बड़ी कृपा बा। हमनी के एगो याद रखे के दूगो लाइन और वो लाइन हम थोड़ा सा सुर में लेके गावल चाहतनि। हमरा के एफ शार्प दे दो बाबू एफ शार्प। ना 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 यही रही। ऐ वतन ऐ वतन आबाद रहे तू हमारे कानू मुखर्जी भी बैठे हैं जो हम लोगों को फिल्मों में नृत्य कराते थे बहुत सारी फिल्मों में नचाए। जोरदार तालियां बजा दीजिए कानू दा के। ऐ वतन आबाद रहे तू मैं जहां भी जाऊं मुझे याद रहे तू। ऐ वतन तेरे बलिदान हो जाऊं आवाज दे वतन तो मैं कुर्बान हूं।